ये जो रखवाले हैं ये पोस्ट के ऊपर रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से दूर इस वक्त मौजूद हैं। इसी एक हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं हूँ इस वक्त सेक्टर लीपा में और हमारे साथ यंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। जी मैं मेजर रितर हूँ एंड आई एम कंपनी कमांडर इन दिस सेक्टर। अच्छा कंपनी कमांडर है और ये फर्स्ट पोस्ट है जो हार्ड इलाका जिसको कहा जाता है उसकी। जी और कब से सर्विस में आप कब आर्मी कब ज्वाइन की? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से अस्करी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, जिनमें तकरीबन 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान की तैनाती भी शामिल है। और ये जो हमारी है ये फर्स्ट पोस्ट है एंड दिस इज द टफेस्ट सेक्टर इन दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा इसकी अहमियत क्या है, अहमियत के हिसाब से क्या अहमियत है इस पोस्ट की? इस पोस्ट की अहमियत इस लिहाज से है कि ये जो अभी आपको हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिकेट भी करा देंगे, ये जो मेजर नाला गुजर है तो उसकी हिफाजत के लिए ये पोस्ट जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर अभी आपको मैं आगे जाके इंडिकेट करा दूंगा दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की यहाँ पर 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्ट है और वो हाइट्स के ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में थ्रेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट जो है ना। अच्छा मुश्किल क्या क्या हैं, आबादी हमारी कितनी दूर है इन पोस्ट से और लोगों की मुश्किल और जैसे आपके आम फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी मुश्किल क्या क्या हैं? इस सेक्टर में दो तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दुश्मन 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्टें हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकलो हरकत के में थोड़ी सी मुश्किल पैदा होती हैं। दूसरी जो मेजर डिफ़िकल्टी इस सेक्टर में होती है वो मौसम की है, वेदर की है। अभी समर स्टार्ट हो चुका है लेकिन विंटर्स के अंदर यहाँ पर 4 to 5 feet स्नो होती है, तो उसके अंदर नकलो हरकत के लिए भी दुश्मन जो अब नकल हरकत में काफ़ी मुश्किल पैदा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं जब भी अपने सोल्जर से इंटरेक्शन करता हूँ तो मैंने हमेशा उनको पहले से ज़्यादा पूरा जम पाया। आपके जो सोल्जर हैं उनकी फैमिलीज़ वालों के लिए और कौम के लिए क्या मैसेज होगा? तमाम शोदा की फैमिलीज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पर आप उनके सोल्जर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं उनको किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोल्जर्स जो अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं ये एक मुकद्दस फरीज़ा है और इस फरीज़े के सरंजाम देने के लिए वो यहाँ पर अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं लेकिन वतन की हिफाजत के लिए खड़े। अच्छा एक और क्वेश्चन के ज़ाहिर है पोस्ट इतनी करीब हैं, जब आप इंडियन फोर्सेस के सिपाहियों को देखते हैं या ऑफिसरों को देखते हैं तो आपके जज्बात और एहसास क्या होते हैं? जी एज ए सोल्जर एज़ ए सोल्जर यहाँ पर हमारी कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं कि जो 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट होते हैं। जी जी जब हम मोर्चों में खड़े होते हैं अपने सोल्जर से आई बाल टू आई बाल हम खड़े होते हैं तो उस टाइम का जो जज्बा होता है और हरारत होती है उसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि उस टाइम का जो जज्बा होता है कि जो आपने अबदी दुश्मन के सामने जब आप खड़े होते हैं सोल्जर मोर्चों के अंदर तो उस टाइम का जो जज्बा है उसके लिए अल्फाज नहीं है कि उसको आप डिस्क्राइब कर सकें। जैसे कि इन्होंने कहा जी कि इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं और यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का चाहे वो कश्मीर हो बलोचिस्तान हो या फाटा के शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान हो ये जज्बा यूं ही इन चट्टानों से भी बुलंद रहेगा और मजबूत रहेगा।